खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। बिकरू गोलीकांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद गांव में खुशी की लहर है, वहीं एक तरफ दहशत का माहौल भी है। खुशी इस बात की विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया, लेकिन गांव में अभी विकास के गुर्गों की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग विकास दुबे के मरने के बाद भी कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं, वहीं लोग विकास दुबे के मरने पर अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। तो एक तरफ खुशी है विकास दुबे के मरने की लोगों को, और एक तरफ दुख भी है क्योंकि अभी भी कुछ गुर्गे हैं उसके जो एक्टिव हैं, लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो विकास के विरोधियों में खुशी दिखी, अच्छा लग रहा है क्योंकि लोगों को इंसाफ मिला है इसका। पुलिस वाले मारे गए हैं 8, इसमें इंसाफ उन्हीं लोगों को अच्छा है। उनके घर वाले बेघर हो गए, बच्चे बेघर हो गए, वो तो पूरे कानपुर भर में फैला था। हाँ, विकास दुबे मारा गया है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। पूरे गांव में कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है। मतलब खुशी मना रहे हैं या दुख है? खुशी मना रहे हैं। अच्छा, ये किस चीज़ की खुशी है? क्या ये किसी तरह की खुशी, किस तरह की, आप बताइए। ये खुशी है यानी आतंक से और क्या? क्या ग्रामीणों के साथ किस तरह का वो करता था अपना बर्ताव गलत किया करते थे? हम इस वक्त खड़े हैं विकास दुबे के गांव बिखरू में, जहां पर विकास दुबे के मारे जाने के बाद भी अभी भी लोगों के अंदर दहशत का माहौल जमा हुआ है। हम बात करते हैं ग्राम में कुछ महिलाओं से, थोड़ा जानकारी करते हैं कि क्या अभी भी उनके किस तरीके से दहशत अभी भी उत्पन्न है। हाँ, तब तो साहब यही जानवरन के पीछे उधर बनते अनते थे, तब तो हम फिर उधर का कोई मतलब नहीं रखो। ये बताइए कि आज विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने, विकास दुबे मारा गया है, तो अब क्या लगता है आपको, किसी वो सब सर तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अभी भी विकास दुबे के जो साथी हैं, जो भी उनके गुर्गे हैं, क्या वो लोग भी अभी भी कुछ कर सकते हैं? क्या उनके नाम की कुछ दहशत है, क्या है? नहीं, वो कुछ नहीं है सर, पर हम कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी भी उनके नाम की ऐसी दहशत है जहाँ लोग कुछ बोलने बताने से मना इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा सा बात करता हूँ, देखता हूँ कि उनका क्या कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम, ये बताइए विकास दुबे आज इनकाउंटर हो गया विकास? हाँ साहब। तो क्या कितनी खुशी का माहौल है यहाँ? बहुत खुशी का माहौल है। मतलब क्या, किस तरीके से आतंक था उसका यहाँ पर गांव में? आतंक साहब यही था कि किसी का वो जगह का यही मामला साफ होता था। तो हर तरीके, मतलब जो भी मामले होते थे गांव में कौन निपटाता था? वही निपटा वरना था। तो पुलिस के पास या जाने नहीं देते थे? वहाँ जाने नहीं देते थे ना? खुशी साहब को लहर तो ये मान लो आदमी थोड़ा दब रहा है, थोड़ा कोई बात कहीं घबरा रहा है, मारपीट करने लगते थे, यही बात। अबे साहब थोड़ा डर लगता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक तरफ से खुशी का माहौल भी है और दूसरी तरफ से दहशत भी भरी हुई है कि अभी भी विकास दुबे के जो साथी, जो सहयोगी, जो बचे हुए हैं, जिंदा बचे हुए हैं, उनका खतरा अभी भी मंडरा रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं उनको जानकारी मिल जाए कि विकास दुबे या उनके साथियों के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है तो उन पर भी किसी तरीके से कोई हमला हो जाए।